सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 में हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम, पत्र की आवश्यकता क्यों है? दूर रहने वाले अपने संबंधियों और अपने दोस्तों की कुशलता जानने के लिए और अपनी कुशलता का जो समाचार है देने के लिए पत्र लिखे जाते हैं। आजकल हमारे पास बातचीत करने के कई साधन उपलब्ध हैं, जैसे टेलीफोन है, मोबाइल है, फोन है, ईमेल है। अब प्रश्न यह उठता है कि फिर भी पत्र लेखन सीखना क्यों जरूरी है? पत्र लिखना महत्वपूर्ण ही नहीं, अत्यंत आवश्यक भी है। फोन आदि पर बातचीत अस्थायी होती है। इसके ठीक उल्टे लिखित दस्तावेज अस्थायी रूप ले लेते हैं। उदाहरण के रूप में, जब आप विद्यालय नहीं जा पाते तब आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। इसीलिए पत्र की आवश्यकता है। आज हम लोग देखेंगे कि पत्र लेखन के बारे में जानेंगे और कितने प्रकार के ये पत्र होते हैं। पत्र लेखन एक ऐसा साधन है जो हम अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाते हैं। पत्र लेखन एक ऐसा माध्यम है जो हमारे आत्मीय संबंध को स्थापित करता है। तभी तो सुप्रसिद्ध अंग्रेज लेखक जेम्स हाडल का कथन है कि जिस प्रकार कुंजियां मंजुषाओं के पत्र लेखन एक कला है जो दो व्यक्तियों के विचारों को साहित्यिक तकनीक में समेट कर प्रस्तुत करती है। पत्र मनुष्य के विचारों का आदान प्रदान सरल, सहज, लोकप्रिय तथा सशक्त माध्यम से करता है। अब हम लोग पत्र के प्रकार के बारे में जानेंगे कि पत्र व्यक्ति के सुख दुख का एक सजीव संदेश वाहक है। लेखक के व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित पत्र के माध्यम से किया जाता है। निजी जीवन से लेकर व्यापार को बढ़ाने अथवा कार्यालय संस्थानों में आपस में संपर्क करने का एकमात्र साधन अगर कोई है तो वह पत्र ही है। पत्र की इन सभी उपयोगिताओं को देखते हुए पत्र को जो है मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा भी करेंगे और जानेंगे कि पत्र को जो दो वर्गों में विभाजित किया गया है उसमें पहला अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। पत्र की विशेषताएं अगर हम देखें तो पत्र लेखन एक कला है। पत्र की जो है सर्वप्रथम जो है मुख्य रूप से हमें इन बातों को ध्यान में रखना होगा कि भाषा की संक्षिप्तता पत्र लेखन में अपने भावों और विचारों को संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। अनावश्यक रूप से विस्तार नहीं किया जाना चाहिए। पत्र में व्यर्थ के शब्दों से भी बचना बहुत जरूरी है। क्रमबद्धता, पत्र लेखन करते समय क्रमबद्धता का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो बात पत्र में पहली लिखी जानी चाहिए उसे पत्र के शुरुआत में तथा बाद में लिखी जाने वाली बात को अंत में ही लिखा जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो अंत में लिखा जाने वाला हो उसे हम प्रारंभ में लिख दें और प्रारंभ की बात को अंत में लिख दें। भाषा की अस्पष्टता और सरलता पत्र की भाषा को पूरी तरह सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा में अस्पष्टता का गुण न होने पर पत्र पढ़ने वाला पत्र लेखक के भावों को कभी समझ नहीं पाएगा। इसलिए सर्वप्रथम आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप पत्र लिखें तो आपकी भाषा सरल हो, स्पष्ट हो, ताकि पढ़ने वाला
आपके भावों को अच्छी तरह से समझ सके। स्पष्ट पत्र लिखते समय प्रचलित शब्दों और सरल वाक्यों का ही प्रयोग करना चाहिए। कठिन भाषा का यदि हम पत्र में मुहावरेदार भाषा का अगर प्रयोग पत्र में करेंगे तो पत्र जो है वह नीरस हो जाता है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है कि प्रभावपूर्ण शैली पत्र की भाषा शैली प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, जिससे पाठक पत्र लेखक के भावों को बड़ी आसानी से समझ सके। की भाषा जो है मौलिक होनी चाहिए। अनावश्यक शब्दों और भाषा का प्रयोग करके आकर्षक पत्र कभी नहीं लिखा जा सकता है। अंतिम जो बात है उस पर विशेष ध्यान देना है कि उद्देश्यपूर्ण पत्र इस प्रकार लिखा जाना चाहिए जिससे पाठक की हर जिज्ञासा शांत हो जाए। पत्र को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। पत्र में जिन बातों का उल्लेख किया जाना निश्चित हो उसका उल्लेख पत्र में निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए। पत्र पूरा होने पर उसे एक बार अंत में पुनः पढ़ लेना चाहिए। इस प्रकार से हमने देखा कि पत्र की कई विशेषताएं होती हैं और उन बातों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। मुख्य रूप से पत्र लिखते समय और भी कई बातें हैं जिनका हमें विशेष ध्यान देने की योग्य बातें हैं। पत्र लिखते समय शुरुआत में पत्र लेखक व पत्र प्राप्तकर्ता का नाम और पता दिनांक के साथ लिखा जाना चाहिए। पत्र में अनावश्यक बातों का विस्तार न देकर संक्षिप्त में अपनी बात को कहें। पत्र का विषय स्पष्ट हो। पत्र लिखते समय कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की आपकी कोशिश होनी चाहिए। पत्र की भाषा सरल, मधुर, आदर सूचक होनी चाहिए और पत्र की समाप्ति इस प्रकार होनी चाहिए कि पत्र का संदेश जो आप दे रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं, वह स्पष्ट हो सके। तो पत्र लेखन में इन सब बातों का विशेष ध्यान देना है। दो प्रकार के पत्र होते हैं, एक अनौपचारिक पत्र और एक औपचारिक पत्र। पहले हम लोग अनौपचारिक पत्र के बारे में जानेंगे। अनौपचारिक पत्र सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन्हें हम लोग व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं। इनमें व्यक्तिगत प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे सुख दुख, हर्ष, उत्साह, बधाई, शुभकामना आदि सबका वर्णन किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों की भाषा आत्मीय और हृदय को छू जाने वाली होती है। अनौपचारिक हैं अलग अलग, आप देख रहे होंगे स्लाइड में मैंने जो है लिखा भी है एक एक करके, आप देखिएगा। पहला जो है कि प्रेषक का पता। अनौपचारिक पत्र लिखते समय सर्वप्रथम प्रेषक का पता लिखा जाता है। यह पता पत्र के बाईं ओर लिखा जाता है। तिथि दिनांक प्रेषक के पते के ठीक नीचे बाईं ओर तिथि लिखी जाती है। यह तिथि उसी दिवस की होनी चाहिए जब आप पत्र लिख रहे हो। संबोधन तिथि के बाद जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसे संबोधित किया जाना चाहिए। संबोधन का अर्थ है किसी व्यक्ति को पुकारने के लिए उसका प्रयुक्त शब्द का प्रयोग होना चाहिए। संबोधन के लिए प्रिय, पूज्य, स्नेहिल, आदरणीय आदि सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। अभिवादन संबोधन के बाद प्रयोग होता है, जिसमें नमस्कार, सादर चरण स्पर्श आदि रूप में अभिवादन लिखा जाता है। कक्षा 9 में जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था और इन सब बातों की जानकारी भी दी थी और अनौपचारिक और औपचारिक पत्र भी मैंने लिखवाए थे।
उस समय भी मैंने ये सारी बातें कही थी। फिर भी फिर से एक बार आप पुनः इसको सुन लें। विषय वस्तु अभिवादन के बाद मूल विषय वस्तु को क्रम में लिखा जाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो आप अपनी बात को छोटे से परिच्छेदों में लिखने का प्रयास करें। अभिनिवेदन इसके अंतर्गत प्रसंगानुसार आपका होना चाहिए। भवदीय, शुभाकांक्षी आदि शब्दों का प्रयोग करें। हस्ताक्षर पत्र में अभिवादन के पश्चात अपना नाम लिखा जाना चाहिए। जब आप हस्ताक्षर करते हैं उसके नीचे फिर अपना नाम भी लिखें। तो ये तो हुआ अनौपचारिक पत्र के बारे में हम लोगों ने जाना। अब आ जाइए औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। यह पत्र जो है उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो। औपचारिक पत्रों में केवल काम से संबंधित बातों पर ध्यान दिया जाता है। व्यवसाय से संबंधी प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र लेखन में मुख्य रूप से संदेश, सूचना और तथ्यों को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसमें संक्षिप्तता अर्थात कम शब्दों में केवल अपनी बात को पूरा करना, स्पष्ट होना, प्राप्त पत्र प्राप्त करने वाला आपकी बात को आसानी से समझ सके ऐसी भाषा का प्रयोग हो तथा स्वतः पूर्णता अर्थात पूरी बात एक पत्र में आप लिखें। इस प्रकार से हम लोगों ने औपचारिक पत्र के बारे में जाना। उसके पश्चात है कि औपचारिक पत्र के प्रकार। औपचारिक पत्र को भी तीन भागों में विभाजित किया गया है। ये तीन जो है भाग क्या हैं? प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र और व्यावसायिक पत्र। प्रार्थना पत्र आप लोगों को पता ही है, अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिए लिखे जाते हैं। ज्यादातर ये पत्र जो है स्कूल के प्रधानाचार्य से लेकर किसी सरकारी विभाग के अधिकारी को लिखा जाता है। दूसरा आता है कार्यालयी पत्र। जो पत्र कार्यालयी कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वे कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। ये सरकारी अफसरों, अधिकारियों, स्कूल और कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को भी लिखे जाते हैं। इन पत्रों में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी, स्कूल प्रधानाचार्य आदि को लिखे गए पत्र होते हैं। तो ये तो हो गया कार्यालयी पत्र। तीसरा है व्यावसायिक पत्र। व्यवसाय में सामान खरीदने, बेचने, रुपयों का लेन देन आदि के लिए पत्र लिखे जाते हैं, इसीलिए इन्हें व्यावसायिक पत्र भी कहते हैं। इन पत्रों में दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। अब है कि औपचारिक पत्र को लिखते समय हमें किन बातों को विशेष रूप से ध्यान देना की आवश्यकता है। तो औपचारिक पत्र नियमों से बंधे हुए होते हैं, ये आप ध्यान देंगे। इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक, इन पत्रों में अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं करना है। पत्र का आरंभ और अंत दोनों प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल हो, स्पष्ट हो और सुंदर होनी चाहिए। यदि आप कक्षा और परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा तथा परीक्षा भवन अपने पते के स्थान पर तथा क ख ग अपने नाम के स्थान पर आपको लिखना चाहिए। कक्षा में है तो वहां लिखें परीक्षा भवन, नीचे अपने नाम के जगह क ख ग।
अगली जो बात है कि पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से के साथ मिलाकर लिखना चाहिए। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि उसकी लयबद्धता बनी रहे। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा और दिनांक अवश्य लिखना चाहिए। तो ये मुख्य रूप से पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें हैं जिन पर आप लोग ध्यान देंगे। फिर आता है कि औपचारिक पत्र के 7 अंग होते हैं। ये 7 अंग कौन-कौन से हैं? पहला जो है, जब हम लोग शुरुआत करते हैं सेवा में लिखना शुरू करते हैं, पद नाम पता लिख करके शुरुआत करते हैं। फिर दूसरा आता है विषय, जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल एक ही वाक्य में शब्द संकेतों के द्वारा लिखें। तीसरा क्रम जो आता है वह है संबोधन, जिसे पत्र लिखा जा रहा हो, महोदय, महोदया, माननीय आदि शिष्टाचारपूर्ण शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। उसके पश्चात आता है विषय वस्तु। जब विषय वस्तु लिख रहे हो तो इसमें केवल औपचारिक पत्र में 2 अनुच्छेदों में ही लिखा जाना चाहिए। पहला अनुच्छेद जब आप शुरू करते हैं कि सविनय निवेदन यह है, सेवा की शुरुआत करते हैं और फिर अपनी समस्या के बारे में लिखते हैं, और दूसरा अनुच्छेद जब आता है उसमें आपसे विनम्र निवेदन है कि लिखकर आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं उसे लिखा जाना चाहिए। पांचवा जो क्रम है हस्ताक्षर व नाम है। धन्यवाद या कष्ट के लिए शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और अंत में भवदीय, भवदीया, प्रार्थी आदि शब्दों का प्रयोग कर किया जाना चाहिए। जब आप पत्र हस्ताक्षर व और नाम, यहाँ पर मुख्य रूप से जो आता है, जब आप हस्ताक्षर करते हैं तो नीचे अपना नाम भी पूरा लिखें। उसके बाद आता है प्रेषक का पता, पिन कोड जो भी है, मोहल्ला, इलाका, शहर, और अंत में दिनांक आप लिखें। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के बारे में। औपचारिक पत्र की प्रशस्ति आरंभ में लिखे जाने वाले कुछ आदर पूर्वक शब्द हैं, जैसे और अभिवादन व समाप्ति में किन शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए उसके बारे में भी आप लोग ध्यान देंगे। आरंभ में लिखे जाने वाले आदर पूर्वक शब्द जो हैं, जैसे श्रीमान, श्रीयुत, मान्यवर, महोदय आदि का प्रयोग करें। अभिवादन जो है, औपचारिक पत्रों में अभिवादन जो है नहीं लिखा जाता है, अभिवादन का प्रयोग अनौपचारिक पत्र में होगा। और अंत में समाप्ति में औपचारिक पत्र में आपका आज्ञाकारी शिष्य या आप आज्ञाकारिणी शिष्या, भवदीय, भवदीया, निवेदक, निवेदिका, शुभचिंतक, प्रार्थी आदि का प्रयोग करें। तो बच्चों, आज हम लोगों ने पत्र लेखन के बारे में जानकारी हासिल की। पत्र कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में भी हमने जाना। अब मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क गृह कार्य दे रहा हूं, जिसमें 2 पत्र हैं, लिखा भी हुआ है, आप देखेंगे। एक अनौपचारिक पत्र है, एक औपचारिक पत्र है। मैं पढ़ भी देता हूं प्रश्न, ताकि आप सुगमता पूर्वक अपनी कॉपी में लिख लेंगे। पहला प्रश्न है कि आपका मित्र दिल्ली में रहता है, पत्र के माध्यम से कोरोना महामारी से बचने के उपाय और सुरक्षित रहने की सलाह दें, कम से कम 120 शब्दों में लिखें। आजकल अखबारों में भी इसकी बारे में काफी चर्चा है, न्यूज़ चैनलों में। आशा है कि आसानी से आप इससे लिख लेंगे। और दूसरा पत्र है, विद्यालय में योग शिक्षा का महत्व बताते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो
तो ये दो पत्र मैंने दिया है आप लोगों को, आशा करता हूँ कि कॉपी में आप लोग लिख के रखेंगे और विद्यालय जब खुलेगा उस समय मैं चेक कर दूंगा। धन्यवाद।